अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों का मुझसे ये सवाल है कि हमने खाने में कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। मार्केट में तो बहुत सारे तेल अवेलेबल हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर, कनोला, ऑलिव्स, पर कौन सा बेहतर है जो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है? ऑलिव ऑयल इज़ दी बेस्ट, पर क्या ऑलिव ऑयल आप अफोर्ड कर सकते? नहीं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई में ऑलिव ऑयल बहुत ही महंगा है। ऑलिव ऑयल को अफोर्ड करना बस की बात नहीं है। जब आपका कुंबा 5-6 लोगों का हो, 7-8 लोगों का हो, तो कैसे सबकी सेहत की हिफाजत रखी जा सकती है? मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सा तेल इस्तेमाल करना है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और अवेलेबल भी है, और वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल, इसकी अफादियत उतनी ही है जितनी के ऑलिव ऑयल की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सरसों का तेल बहुत ही सस्ता है, बड़े आराम से मिल जाता है, पर ऑलिव ऑयल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सरसों के तेल की और बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। जब भी आप कोई खाना बनाते हैं सरसों के तेल में, तो उसकी अपनी एक खुशबू होती है। कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो तेल उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, और अगर उसी ऑयल को दोबारा से रीफ्राई करें तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनते। इसीलिए सरसों का तेल बहुत ही इस्तेमाल में अच्छा है। आप लोग सरसों के तेल को इस्तेमाल करें और सेहतमंद रहें। सरसों का तेल ना सिर्फ खाने में बल्कि हमारी रोज़मर्रा रूटीन में भी इसके बहुत सारे फ़वाद हैं। सरसों का तेल ना सिर्फ हमारे खाने में बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो हमारे बाल, अगर आपके ये ग्रो नहीं कर रहे तो नहाने से आधा घंटा पहले सरसों के तेल की मालिश करें। उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके बहुत जल्दी ये ग्रो भी करना शुरू हो जाएंगे और बड़े सॉफ्ट मुलायम रहेंगे। इसी तरीके से नहाने से आधा घंटा पहले सरसों के तेल को पानी में शामिल करके अपने पूरे जिस्म की मालिश करें। इससे क्या होगा, एक आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी स्किन नरम मुलायम रहेगी, मॉइस्ट रहेगी। तीसरे नंबर पे ये आता है कि ऐसे मरीज़ जिनको जोड़ों में दर्द होता है, अगर वो सरसों के तेल की थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और उसकी मालिश करें और उसके बाद क्रेप बैंडेज बांध लें रात के टाइम, जब सुबह उठेंगे तो वो दर्द गायब होगा, क्योंकि सरसों का तेल मसल रिलैक्सेंट भी है। इसी तरीके से अगर आपकी एरियाँ फट रही हैं तो मोम की वैक्स के अंदर सरसों के तेल को मिक्स करें और एरियों पे 2-3 दिन तक लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी एरियाँ हील अप हो गई हैं और वो बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। बास टाइम हमारा कम्प्लेक्शन मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हाथ का वो हिस्सा एक्सपोज होता है और बाकी हिस्सा छुपा हुआ होता है, तो कम्प्लेक्शन को एक जैसा करने के लिए भी अगर हम सरसों के तेल की मालिश करते हैं, उससे भी आपकी रंगत एक जैसी हो जाती है। तो सरसों के तेल की बहुत ही ज़्यादा अफादियत है, आराम से मिल जाता है, सस्ता है, पुराने ज़माने में भी यही यूज़ होता था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।